हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और ये है महिंद्रा XUV 700 का AX7 वेरिएंट, पेट्रोल में आता है जो, और इसकी एक्स शोरूम कीमत है 19.49 लाख, और ऑन रोड प्राइस आप अपनी सिटी में चेक कर सकते हैं। फ्रंट में हमें LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और शी शेप में LED DRLs अवेलेबल है अलॉन्ग विथ टर्न इंडिकेटर्स, और नीचे की तरफ हमें फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। सिल्वर और पियानो ब्लैक फिनिश में इसकी फ्रंट ग्रिल मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, और नीचे की तरफ सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट का डिज़ाइन दिया गया है। चलिए इसकी साइड प्रोफाइल अब चेक कर लेते हैं। साइड से काफ़ी अच्छी लगती है कार, इसकी लेंथ भी काफ़ी बढ़िया है। उसमें 2000cc का इंजन दिया गया है जो 197 bhp की पावर जनरेट करता है और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। चलिए अब इसकी टायर प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं ड्यूअल शेड में जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, और 235/60 R18, सो 18 इंच के टायर्स इसमें दिए गए हैं जो इस कार पे काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। गुडियर के टायर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कार की रूफ अगर चेक करें तो पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, और रूफ रेल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर सारा पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, और कुछ ऐसी लगती है बैक से ये कार, काफ़ी कट्स एंड कर्व्स इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं XUV 700 और AX7 की बैजिंग दी गई है। LED टेल लैंप यहाँ पे मिल जाते हैं, डिफोगर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं इस वेरिएंट में, वाइपर एंड वॉशर भी यहाँ पे अवेलेबल है। ऊपर शार्क फिन एंटीना दिया गया है, और अगेन आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में इसकी रूफ। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, और लोगो के नीचे हमें मिल जाता है रियर कैमरा, और नीचे की तरफ देखें तो हमें दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। अगेन सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट का डिज़ाइन दिया गया है। चलिए इसका बूट चेक कर लेते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युअली आपको ओपन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकली ओपनेबल बूट आपको नहीं मिलता है। और अगर सीट्स हम यूज़ कर रहे हैं लास्ट रो में तो बहुत ज़्यादा बूट स्पेस आपको नहीं मिलने वाला है, बट हाँ अगर आपको स्टोरेज स्पेस की नीड है तो आप लास्ट रो को फोल्ड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाएगा बूट में। यहाँ पे कुछ हुक दिए गए हैं टू हैंग योर स्टफ, और ये लास्ट रो की जो फैसिलिटीज हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे AC वेंट मिल जाते हैं, कप होल्डर भी दिया गया है फॉर द लास्ट रो पैसेंजर्स, दोनों ही साइड कप होल्डर और AC वेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। विंडो ऑल्दो ओपन नहीं होती बट साइज काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी तरह से पैक की गई टूल किट मिल जाती है, इसका स्पेयर टायर हमें कार के नीचे मिल जाता है। चलिए करते हैं बूट को क्लोज और आगे की तरफ चल के कार को चेक करते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं फ्लश डोर हैंडल्स जिनको आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाते हैं और आप डोर को उसके बाद ओपन कर सकते हैं। चलिए कार का डोर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मिड पार्ट में सॉफ्ट टच मटेरियल यूज किया गया है, पियानो ब्लैक, ब्लैक एंड बेज फिनिश में इसका इंटीरियर दिया गया है कार का। नीचे की तरफ हमें बोतल होल्डर और साइड में अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है जिसमें आप छोटे साइज का अम्ब्रेला रख सकते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है क्रैब हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश में, और इधर आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स का डिज़ाइन मिलता है, बट ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, लेदराइट सीट्स हमें ज़रूर मिल जाती हैं। XUV 700 की इल्यूमिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए बैठते हैं कार के अंदर और करते हैं इसका इंटीरियर चेकआउट। तो कुछ ऐसा लेआउट मिल जाता है इसके डैशबोर्ड का, यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर्स यूज़ की गई हैं। आई डोंट नो इफ यू लाइक इट और नॉट, बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये सीमलेस स्क्रीन्स वाला डिज़ाइन, ये बहुत ही अमेजिंग लुक देता है। डैशबोर्ड पे यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन द मिडल पार्ट, उसके नीचे कुछ सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं। चलिए इसका ग्लव बॉक्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बटन दिया गया है इसको ओपन करने के लिए।
एक डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है और ये इल्यूमिनेटेड भी है। ऊपर अलग से स्पेस दिया गया है, कुछ पेपर वर्क या फोन वगैरह आप उसमें रख सकते हैं। और यहाँ हमें मिल जाता है 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। अभी कार ऑन नहीं है तो हम आपको ये नहीं दिखा पाएंगे, बट यहाँ पे दो स्क्रीन्स हैं और ये 10.25 इंच में ही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में दिए गए हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए बटन्स। आप कॉल पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। और यहाँ हमें कंट्रोल मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए, और क्रूज कंट्रोल के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ हमें चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक के लिए बटन मिल जाता है, और इसके ORVM को फोल्ड एंड एडजस्ट करने के लिए बटन मिल जाता है। और ऊपर की तरफ देखें तो हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स इसमें मिल जाती है, और वो भी हमें मेमोरी फंक्शन के साथ मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात और एक बहुत ही प्रीमियम फीचर भी है ये। यहाँ देख लेते हैं, स्टीयरिंग के नीचे हमें AC वेंट मिल जाता है, और उसके नीचे यहाँ हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है, और हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे हमें स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। और यहाँ पे ये लीवर दिया गया है जिससे आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग। काफ़ी अच्छा फीचर है ये भी। मूविंग ऑन, यहाँ हमें कंट्रोल मिल जाता है ड्यूअल जोन ऑटो AC के लिए, जिसमें मैक्स AC का फंक्शन भी दिया गया है अगर कार ज़्यादा गर्म होती है। नीचे ये एयरप्लेन टाइप बटन्स मिल जाते हैं, जहाँ पे हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, पैसेंजर का एयरबैग ऑन ऑफ करने का स्विच मिल जाता है, और ड्राइव मोड भी आप चेंज कर सकते हैं। नीचे हमें चार्जिंग के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग, दो USB टाइप ए पोर्ट, और कुछ स्टोरेज स्पेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसके फीचर्स चेक कर लेते हैं। 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है, और ये मल्टी फंक्शन एक रोटरी नोब यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा हमें मिड में मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, जी हाँ, नो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक ग्लास होल्डर दिया गया है यहाँ पे। आर्म रेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको आप स्लाइड कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस दिया गया है, और एक डेडिकेटेड पॉकेट बनाई गई है आपकी की रखने के लिए। मूविंग ऑन, एक डिसेंट साइज का IRV मिल जाता है ऑटो डिमिंग के साथ, और यहाँ पे हमें बटन्स मिल जाते हैं SOS के लिए, और एक सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है ताकि स्क्रैचेस ना पड़े आपके सनग्लासेस या स्पेक्स पे। और यहाँ हमें मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ के लिए बटन और दो LED लैंप्स। अब फ्रंट सीट को हमने एडजस्ट कर लिया है मैडी की हाइट के हिसाब से, एंड फॉर रेफरेंस मैडी की हाइट है 6 feet। चलिए पहले इसका डोर चेक कर लेते हैं। ट्रिपल फिनिश में डोर दिया गया है अगेन, जहाँ पे पियानो ब्लैक इंसर्ट्स हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है, और पेज फिनिश है। यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाता है जिसमें पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है। नीचे बोतल होल्डर हमें मिल जाता है, स्पीकर देख सकते हैं आप, 6 speaker इस कार में मिल जाते हैं हमें। और यहाँ पे एक कंट्रोल दिया गया है इस सीट को टंबल करने के लिए, ताकि आप थर्ड रो एक्सेस कर पाएँ। ये 1-touch ऑपरेशन है, आप एक बार इसको पुल करेंगे सीट पूरी टंबल हो जाएगी, और यहाँ से आप रियर सीट में एंटर कर सकते हैं। रियर सीट के जो फीचर्स हैं वो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, कप होल्डर, ग्रैब हैंडल्स, और छोटे बच्चे यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट बड़ों के लिए बैठना लॉन्ग ट्रिप के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और ये 7-seater वेरिएंट है, इसमें 6-seater वेरिएंट भी आता है। अब कर लेते हैं रियर सीट का कम्फर्ट चेक। अगर 2-6 feet के बंदे आगे पीछे बैठते हैं उस केस में भी बहुत ही अच्छा नी रूम और लेग रूम यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ भी कुछ स्टोरेज स्पेस दिया गया है, पॉकेट एक डेडिकेटेड बनाई गई है। और हेडरूम की अगर बात करें, 6 foot के बंदे के लिए बहुत ही अच्छा हेडरूम अवेलेबल है, इवन 6-3 तक भी आप आराम से बैठ सकते हैं। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें मिल जाते हैं, और मिड में हमें हेडरेस्ट दिया गया है बट वो एडजस्टेबल नहीं है। और यहाँ मिडल पार्ट में आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, पता नहीं आप वीडियो में देख पा रहे हैं या नहीं। और रियर में भी हमें LED कैबिन लाइट मिल जाती है, ग्रैब हैंडल दोनों ही तरफ मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें स्प्लिट रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, और कुछ स्टोरेज स्पेस दिया गया है फ़ोन रखने के लिए, और Type-C चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और कुछ ऐसा लुक मिलता है डैशबोर्ड का रियर सीट से, बहुत ही प्रीमियम ये कैबिन बनाया गया है, और फ्रंट डैशबोर्ड का लेआउट बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू द आइज़। एक और फंक्शन हमने मिस कर दिया जो यहाँ पे मिल जाता है हमें,
बोस मोड का बटन हमें यहाँ पे दिया गया है। अगर रियर में आप बैठे हैं तो आप फ्रंट पैसेंजर की सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस कार के कुछ सेफ्टी फीचर्स की अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ABS, उसके बाद 6 एयरबैग इसमें अवेलेबल हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, हिल असिस्ट कंट्रोल मिल जाता है आपको, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी यहाँ पे दिया गया है। कुछ एडास के फीचर्स की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग अवेलेबल है, ऑटोमेटिक एमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट एंड ड्राइवर अटेंशन वार्निंग। इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से मुझे नहीं लगता एडास फीचर्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दिस फीचर्स। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो महिंद्रा XUV 700 के AX7 वेरिएंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डू हिट दैट लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। अगर आप चाहते हैं अपनी कार को हमारे चैनल पे फीचर करना या अपनी कार का लॉन्ग टर्म रिव्यू हमें देना, तो आप हमारी ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन। वी विल कॉन्टैक्ट यू एंड वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।